नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको मैंने एक पहले खुशखबरी दे दी थी कि पीटीटी की जो थर्ड काउंसलिंग है वो ज़रूर जारी होगी। तो दोस्तों, आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है कि थर्ड काउंसलिंग हो रही है। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सीटें खाली मिलेगी। तो इसमें दोस्तों आपका कन्फर्म लगभग 100% आपका नंबर आएगा, और इसकी में जो कट ऑफ है वो भी मैं कुछ ही घंटों में ये जारी हो जाएगी इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो इस थर्ड काउंसलिंग से जो वंचित है उनको इसका मौका मिल सके। तो दोस्तों, ये जो 20,000 पद खाली है तो ये प्रक्रिया 14 अगस्त से पहले पहले करवाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए हाईकोर्ट में भी हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो हाईकोर्ट का फैसला कभी टाला नहीं जाता। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आज के जो अजमेर का जो पेपर है, आज का जो आप सर्च कर सकते हो, आज दैनिक भास्कर ई पेपर अजमेर के नाम से आप सर्च करो, तो उस पर पेज नंबर 16 पे ये नीचे ये सूचना है पीटीटी के बारे में कि राज्य भर में 20,000 सीटें खाली, हाईकोर्ट के आदेश पर होगी पीटीआई की तीसरी काउंसलिंग की तैयारी। तो दोस्तों, इसमें 20,000 सीटें खाली है, तो दोस्तों आपको सबसे अच्छा मौका है, तो आप इसमें ज़रूर भाग लें। आप कभी निराश नहीं हो, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि दोस्तों थर्ड काउंसलिंग होगी, लेकिन उसमें कई विद्यार्थियों ने इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि इसमें हमें पता था कि बहुत ज़्यादा सीटें खाली है तो ज़रूर होना है। उसके बाद में काफ़ी स्टूडेंट ने उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो आगे से सूचना आएगी वो हम आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, ये जो सूचना आई है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो राज्य भर में 20,000 सीटें खाली, हाईकोर्ट के आदेश पर होगी पीटीए की तीसरी काउंसलिंग। तो दोस्तों, ये जो काउंसलिंग है इसके बारे में, पहली दूसरी काउंसलिंग बावजूद 20,000 सीटें खाली, पिछले वर्ष भी थे यही हालात, यानी कि पिछले वर्ष भी सीटें खाली रह गई थी लेकिन वो नहीं करवा पाए, तो अब इस बार ज़रूर होगी। तो ये जो प्रक्रिया जो मांगी गई है, ये कहा है पीटीआई समेत प्रो बीपी सार्स ने बताया कि सरकारी वकील ने जानकर दिए कि हाईकोर्ट से रिक्त सीटों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग कराने के निर्देश मिले। उन शिक्षा ने इसके लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था, तो इसमें जो उन शिक्षा विभाग है उसने इस पर प्रार्थना पत्र भी जो है वो हाईकोर्ट को दिया था, उसके कारण ये थर्ड काउंसलिंग है जो होने जा रहे। तो इस पर वह निर्देश दिया है कि 14 अगस्त से पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, यानी 14 अगस्त से पहले पूरी प्रक्रिया, जो रिपोर्टिंग अलॉटमेंट वो सब है वो हो जाएगा, इसलिए आपको बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों, इसमें ज़रूर भाग ले, आपको बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन दबा लेना, और इस वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, आपके लिए मैं ऐसी खुशखबरी जल्द से जल्द लाता रहूँगा, तो इसके बारे में मैं एक और सुना दूंगा, वो कुछ ही घंटों के बाद में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।